अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, आप लोगों ने अपने बच्चों को मैगी बहुत दफ़ा बना के दिए होंगे, लेकिन आज मैं बना रही हूँ मैगी के साथ क्रिस्पी से पकोड़े। सबसे पहले मैंने एक पैकेट मैगी को लेके बॉईल कर लिया है। एक छोटे साइज का आलू लेकर मैंने उसे बारीक बारीक चॉप कर लिया। इसी तरह बंद गोभी को भी मैंने चॉप किया है, तकरीबन हाफ कप है। थोड़ा सा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। पैकेट में जो फ्लेवर था, मेरे पास चिकन फ्लेवर था, वो मैं इसमें एक पैकेट डाल रही हूँ। नमक के ऐड करूंगी मैं हाफ टी स्पून, चिली पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चों के भी हाफ टी स्पून, कदर अंडा हाफ टी स्पून। मैं चाट मसाले के ऐड करूंगी, फ्लोर के मैं 2 टेबल स्पून ऐड करूंगी। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका बैटर रेडी करूंगी। बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। अब इसे मिक्स करते हैं। बैटर को मैंने मिक्स कर दिया है। पहले मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के डाले थे, मैंने बाद में एक और डाल दिया था। इसे अच्छी तरह मिक्स किया। दूसरी तरफ ऑयल भी गर्म हो रहा है। चले हम अपने पकौड़ों को, मैगी पकौड़ों को बनाना स्टार्ट करते हैं। इन पकौड़ों को हम लाइट गोल्डन सा करेंगे। थोड़ी देर बाद मैं इसकी साइड चेंज कर लूंगी। हमारे मैगी पकौड़े रेडी हो गए हैं। बहुत ही क्विक सी रेसिपी और बेस्ट ये टी टाइम रेसिपी। आप इसे जरूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, इस रेसिपी को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।